हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट आवर आइकॉनिक कोर्स कैट्स, दैट इज द क्रैश कोर्स फॉर जेई एडवांस 2024। और ये काफ़ी अवेटेड वीडियो है क्योंकि बच्चे हमें 7-8 महीने पहले से पूछते थे कि कैट्स कब आएगा, स्पेशली वो बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और उनको ऐसा लगता था कि एक बार ऑफलाइन आके उस इन्वायरमेंट में पढ़ के दे कैन गिव ए सॉलिड पंच टू देयर प्रिपरेशन एंड जेई एडवांस में जो उनका रिजल्ट आएगा। तो ये जो हमारा कैट्स का बैच है, दिस इज कैट्स ऑफलाइन। कैट्स ऑनलाइन भी हमारा रन करता है ऑफकोर्स, वो तो आप अपने घर से ही पढ़ सकते हैं, बट दिस वी विल बी रनिंग ओनली एट जयपुर विच इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो लेट्स डिस्कस वॉट इज इन इट। तो सबसे पहले कैट्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। फीस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो सबसे पहले दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है। एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट हो गया जो ऑलरेडी कॉम्पिटिशन के साथ इनरोल्ड है इन एनी वन ऑफ दीज बैचेस, सारे बैचेस नहीं, इनमें से किसी बैच में, दैट इज प्रवीण, प्रखर, प्रखर इंटीग्रेटेड हो गया, प्रवीण फास्टलेन हो गया, प्रबोध बैच हो गया, और ये दोनों ही चाहे ऑनलाइन प्रवीण में हो चाहे ऑफलाइन प्रवीण में हो, उन दोनों में ही इट यू विल बी एलिजिबल। ठीक है, तो पहला क्लास ऑफ स्टूडेंट्स वो हो गया जिनका जेई मेंस वन में, मतलब इनमें से किसी बैच में इनरोल हैं, उसके बाद मतलब कॉम्पिटिशन के जो इन बैच के स्टूडेंट्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जेई मेंस वन जो 2024 में अभी जनवरी में हुआ है, अगर उनका परसेंटाइल 99 या उससे ऊपर है तो फिर उनका लिए रजिस्ट्रेशन फीस जीरो है और ट्यूशन फीस ऑफकोर्स जीरो है, एंड लॉजिंग एंड फूडिंग फीस, मतलब रहने और खाने का इंतजाम भी हम करेंगे इन 4 महीनों के लिए, अभी से लेके जेई एडवांस तक के लिए, एंड दैट इज़ ऑल्सो जीरो। तो दे आर नीड टू पे ₹0, उनके लिए कोई भी नहीं है, चाहे आप ऑनलाइन के स्टूडेंट हो चाहे ऑफलाइन के स्टूडेंट हो। अगर आपका जो परसेंटाइल है वो 99% से ऊपर है, अच्छा उसके बाद जो अगर आपका जो परसेंटाइल है वो 98 और 99 के बीच में है, 98 और 99 के बीच में है, तो फिर आपका कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कोई ट्यूशन फीस नहीं है, दैट वी आर वेविंग ऑफ कम्प्लीटली। बट जो लॉजिंग एंड फूड फीस है, मतलब रहने खाने का खर्चा, आपको खुद बियर करना पड़ेगा। अब इसमें डेफिनेटली आप अपने आप अरेंज कर सकते हैं और हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं, वो आपको मतलब आसपास के हॉस्टल में बात करा देंगे और वहाँ पे, ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो ढूंढने में, तो हमारी टीम आपको फुल हेल्प कर देगा आपको हॉस्टल वगैरह ढूंढने के लिए। ठीक है, तो दिस पार्ट यू नीड टू पे योरसेल्फ, ट्यूशन फीस और रजिस्ट्रेशन फीस कुछ भी नहीं। ये तो हो गए जो स्टूडेंट्स इनमें से किसी बैच में इनरोल्ड है। अब आती है आउटसाइड स्टूडेंट, स्टूडेंट हुआ नॉट इनरोल इन एनी वन ऑफ दीज बैचेस, ये ठीक है, मतलब या तो और किसी बैच में इनरोल्ड है कॉम्पिटिशन के, जैसे कैट्स सॉरी चैम्प हो गया या सी क्यूब हो गया, उस तरह के किसी बैच में इनरोल्ड है, या वो स्टूडेंट जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या कहीं पर भी इनरोल नहीं है, उनके लिए क्राइटेरिया में थोड़ा सा स्लाइट चेंज है। अगर आपका जेई मेन का जो स्कोर है वो 99.5 या उससे ऊपर है, ठीक है, तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है 1100 केवल वो लगेगा, ट्यूशन फीस ₹0 और रहने खाने का खर्चा भी वी विल बियर, एंड टोटल जो आपको देना पड़ेगा वो केवल रजिस्ट्रेशन फीस है 1100। ठीक है, ये तो टाइप मतलब कैटेगरी वन स्टूडेंट हो गए। कैटेगरी टू स्टूडेंट हो गए जिनकी परसेंटाइल 99 से लेके 99.5 तक है, एंड ऑफ कोर्स इनमें से किसी बैच में जो इनरोल नहीं है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन फीस 1100 लगेगा, ट्यूशन फीस उनके लिए भी 100% हमने ऑफ कर दिया है, और जो रहने खाने का खर्चा है दे नीड टू बियर देमसेल्फ। तो जो 99 से 99.5 तक है उन्हें रहने खाने का खर्चा देना पड़ेगा, ट्यूशन फीस उनके लिए जीरो हो गया, जो 99.5 या उससे ऊपर है उनके लिए रहने खाने का खर्चा ऑल्सो वी विल बियर। ठीक है, उसके बाद थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हो गए जो इनमें से किसी भी, मतलब प्रवीण, प्रबोध, प्रखर, जो जिन बैचेस के मैंने नाम लिए उनमें कहीं पे भी इनरोल नहीं है, मतलब बाहर से स्टूडेंट आ रहे हैं पहली बार इनरोल कर रहे हैं या फिर किसी और बैच में इनरोल हैं, तो ऐसे बच्चे के लिए अगर उनकी 98 से 99 के बीच में परसेंटाइल है, 98 परसेंटाइल से 99 के बीच में है, तो ऐसे बच्चों के लिए ऑफकोर्स जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1100 है और रहने खाने का खर्चा उनको अपने आप बियर करना पड़ेगा ऑफकोर्स, और इनके एक इनके लिए एक ट्यूशन फीस भी है। ठीक है, अब ट्यूशन फीस के लिए मैंने हमने क्या किया है कि ऐसा ना हो कि अचानक फीस बढ़ जाए, जैसे 98.9 पे कोई बच्चा है और एक 99 पे है, तो हमने ये फॉर्मूला ईजाद किया है कि अगर आपकी परसेंटाइल मतलब 98 और 99 के बीच में जो होगा उसकी परसेंटाइल ऑफकोर्स 98 होगा, तो 98 मान लिया PQRS है, तो पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट है उसको वन में से घटाया,
ठीक है, फिर उसको 30,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब अगर किसी बंदे का परसेंटाइल 98.9 से 99 के बीच में है तो उसके लिए ये वाला जो पी डिजिट है वो 8 होगा, ठीक है, सॉरी 9 होगा, मैंने बोला 98.9 से 99 के बीच में है तो ये वाला डिजिट 9 होगा, तो 1 माइनस 0.9 मतलब 0.1 हो गया, तो उसके लिए फीस केवल कितना हो जाएगा 3,000। तो ऐसे ही मैं अब ऐसे ही बता देता हूँ, 98 से 98.1 के बीच में जो है उनको 30,000 फीस पड़ेगा, फिर 98.1 से 98.2 के बीच में जो है उनको 27,000 पड़ेगा, तो 0.11 पे क्या होगा 3,000 फीस घटता चला जाएगा और 99% पे आके ऑफकोर्स जीरो हो जाएगा, रहने खाने का खर्चा उनको अपने आप बियर करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है कि अगर आप जेईई मेंस 1 के परसेंटाइल 2024 में 98.3783 है तो ये जो 3 है, मतलब ऑफकोर्स यहाँ पे तो 98 ही होना चाहिए, 97 वाले के लिए दिस इज नॉट एप्लीकेबल, उसको लिया हमने 1 में से 0.3 घटाया तो ये 0.7 आ गया, उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,000 आपकी फ़ी आ गई, ठीक है, ताकि अचानक किसी के लिए फीस ना बढ़ जाए, स्मूथली धीरे धीरे बढ़े, क्योंकि अचानक बढ़ेगा तो कोई बच्चा बोलेगा कि देखो मेरा तो 0.01% कम आया है, मेरे को तो अचानक इतनी फीस देनी पड़ रही है, इसलिए ओके लेट्स मूव अहेड। हु इज़ नॉट एलिजिबल कैट्स ऑफलाइन में, मतलब कैट्स ऑनलाइन तो ऑफकोर्स यू कैन टेक, एनी स्टूडेंट कैन टेक, उसमें भी क्राइटेरिया है फी रिफंड का, तो वो आप उसका वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे किसी भी बच्चे का अगर 98% से कम है, चाहे वो कंपटीशन के किसी भी बैच में हो या बाहर हो, उसको दिस बैच इज़ नॉट अलाउड, आप फीस दे के भी इसमें नहीं आ सकते, क्योंकि उससे क्या होगा कि जिस पर्पज़ से हम ये बैच रन करेंगे, जिस हिसाब से, जिस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट को सोच के हम ये रन करेंगे, वो फिर बीट हो जाएगा। इस टाइप का जो बच्चा होगा वो या तो दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करेगा, टू बी वेरी फ्रेंक, या फिर वो उसका अपना ही नुकसान हो रहा होगा, मतलब उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होगी वो कुछ और होगा, इस बैच में शायद वो फुलफिल नहीं होगी। तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी परसेंटाइज 98 से कम है, दे आर नॉट अलाउड, पहला चीज़। दूसरा, स्टूडेंट हु इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द अबव कैलकुलेशन और क्राइटेरिया। अब इसलिए ये मैंने बोला कि कुछ बच्चे इतना समझाने के बाद भी बोलेंगे सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, तो जो भी हमने क्राइटेरिया बताया अगर वो समझ में नहीं आया तो यू आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल। स्टूडेंट हु इज़ आस्किंग क्वेश्चन विच हैज़ ऑलरेडी बीन कवर्ड इन दिस वीडियो, मतलब कुछ बच्चों को ये होता है कि जो वीडियो के अंदर एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, फिर भी जो हमने जिस बात का आंसर दे रखा होगा वो नीचे आके कमेंट सेक्शन में वही पूछेगा कि अच्छा ये कैसे होगा, जबकि वीडियो में उसके अंदर आंसर है। तो ऐसा बच्चा है तो उसके लिए भी दिस बैच इज नॉट अवेलेबल। चलो ये तो जोक्स अपार्ट, आगे चलते हैं। अच्छा, जो ऑफलाइन का कैट्स है उसको हमने दो स्ट्रीम में हम चलाएंगे, एक है कैट्स जे, जे मतलब जयपुर के लिए जे लगा दिया, और एक है कैट्स जे प्रो, ठीक है, एप्पल से इंस्पायर होके। इसमें मतलब ये उन बच्चों के लिए जो 99.5% या उससे ऊपर होगा, मतलब 99.5 का मोटा मोटा मतलब ये कि 5,000 के आसपास रैंक पे बच्चा ऑलरेडी बैठा हुआ है। अब वो प्रोपेल कहाँ होना चाहिएगा, ऑफकोर्स 1-2 हज़ार रैंक या उसके 1,000 रैंक के अंदर वो जाना की कोशिश करेगा। तो ये बच्चों को जो इनपुट दिया जाएगा वो थोड़ा सा जैसे बोलते हैं टफर साइड पे दिया जाएगा ताकि उसको वो क्रैक कर पाए। दूसरा बच्चा हो गया जो 99.5 से कम है, तो मे बी इसमें कुछ बच्चों का कुछ चैप्टर स्ट्रांग नहीं होगा, कुछ थ्योरी में लैक्यूना होगा, तो इनके लिए हमने कैट्स जे के नाम से प्रोग्राम चलाएंगे, मतलब ये दोनों ही प्रोग्राम चलाएंगे ऑफलाइन में। इसमें 99.5 से ऊपर वाले बच्चे एलिजिबल हैं और इसमें 99.5 से नीचे जिनका परसेंटाइल है वो एलिजिबल है। अच्छा, इसमें बाई चांस ये हो सकता है एक बच्चा आके बोले कि मेरा 99.4 है बट आई वांट टू गो इनटू दिस बैच, तो देखो दोनों बैच को जो रन करने का तरीका है वो अलग अलग है, बीच में फिर हम स्विचिंग नहीं कर पाएंगे। अगर कोई इफ़ सम स्टूडेंट इज़ हेल बैंड के मेरे को इसी में जाना है तो हम रोकेंगे नहीं उसको, बट ये तुम्हारी भलाई के लिए कि जो बच्चा इस रैंक बैंड मतलब इस परसेंटाइल बैंड में होगा उसको ज़्यादा फायदा इस बैच से मिलेगा क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, मतलब क्वेश्चंस के थ्रू। ऑफकोर्स कैट्स में थ्योरी तो कुछ नहीं पढ़ाई जाएगी, जो भी थ्योरी पढ़ाई जाएगी वो केवल क्वेश्चंस के थ्रू ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये जो बैच है इसकी हम दो साइकिल रन करेंगे, मतलब एक कंप्लीट साइकिल हो जाएगी 15th से लेके 31st मार्च तक, ये ठीक है। अब 31st मार्च 30 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि अप्रैल वाली जो डेट्स हैं वो एग्जैक्टली कौन सी डेट्स पे हमारा एग्ज़ाम आता है उसके हिसाब से, ताकि जो मेंस का सेकंड अटैम्प्ट है उससे पहले हम बच्चों को फ्री कर दें।
तो पहली साइकिल ये होगी जिसमें ये पूरे 25 चैप्टर, जो भी हमने पूरे सिलेबस को 25 चैप्टर में डिवाइड कर रखा है, वो कंप्लीट होगा। फिर सेम चीज़ ही रेप्लीकेट होगा दोबारा साइकिल टू में 15 अप्रैल से लेकर 20 मई तक। अब जो 12th में बच्चा पढ़ रहा है उसके यहाँ पे एग्ज़ाम होंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, इसलिए इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक किया है कि वो जो बच्चा 12th में पढ़ रहा है वो इसकी बजाय इसको ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो वो आ ही नहीं सकता बाहर से। जयपुर का बच्चा है तो ऑफकोर्स वो ये भी अटेंड कर सकता है। इन दोनों में मतलब जैसे मैंने बोला कि जो क्लास के लेक्चर्स होंगे वो तो क्वेश्चंस के थ्रू ही होंगे, तो इन दोनों में जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो अलग अलग कराए जाएंगे, ताकि जो 13th का बच्चा है वो दोनों ही साइकिल कंप्लीट कर पाए। ये ठीक है, जैसे उसका ये साइकिल कंप्लीट हो गया, वो खाली बैठे, अब वो क्या करे 1-1.5 महीना, तो इसलिए वो बच्चा ये भी कर सकता है। दोनों की फीस मतलब एक ही बार है, उसमें कोई दोबारा फीस नहीं देनी है। ठीक है, ये दो पार्ट में हमने क्यों ब्रेक किया, 12th वाले बच्चों के लिए जो बोर्ड दे रहे हैं वो यहाँ नहीं आ सकते, तो इसलिए हमने दो अलग अलग साइकिल्स में ब्रेक किया है। ये वाला जो कैट्स जे है, जो 95.5 से कम वाले बच्चों के लिए, ये हमारी पूरी एक ही साइकिल रन होगी। वो साइकिल के दो पार्ट होंगे, मतलब आधा सिलेबस इधर खत्म होगा, आधा सिलेबस इधर खत्म होगा। सिलेबस खत्म करने का मतलब फिर कोई ये मत समझना कि थ्योरी पढ़ाई जाएगी, नहीं, क्वेश्चंस के थ्रू जो सेशंस होंगे, आधा सिलेबस इधर कंप्लीट होगा, आधा इधर कंप्लीट होगा। ठीक है, डेट्स आर टेंटेटिव, वो मैंने बता दिया है, डिपेंडिंग अपॉन के एग्जैक्टली मेंस टू की डेट्स क्या आती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये उसी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि जो कैट्स जे प्रो है, जो हम बोले 99.5 से ऊपर वालों के लिए है, उसकी पहली साइकिल यहाँ कंप्लीट हो गई। कोई बच्चा ये साइकिल कंप्लीट करके घर वापस जाना चाहे, मोस्ट वेलकम, वो जा सकता है, या दोनों साइकिल कोई करना चाहे दोनों कर सकता है, कोई बच्चा केवल इसी में आना चाहे तो इसी में आ सकता है। ये तो एक चीज़ हो गया। कैट्स जे जो है वो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक रन होगा, और इसमें पहले लगभग 13 चैप्टर इधर कवर होंगे, 12 चैप्टर इधर कवर होंगे। ठीक है, अब इसमें कोई बच्चा, कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, वो जरूर ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक दिन गिनेंगे कि ये 15 से तो यहाँ तक हमें 45 डेज मिल रहा है और यहाँ पे तो हमें केवल 35 डेज मिल रहा है, ऐसा क्यों हुआ? तो देखो, जो पहला पार्ट है उसमें नंबर ऑफ डेज इसलिए ज़्यादा लिया गया है क्योंकि इसमें मेंस के एग्ज़ाम भी हम कराएंगे बीच बीच में, एक एक दिन, मतलब हफ्ते में 1-2 मेंस के टेस्ट भी होंगे। जब एक बार ये वाला जो सेकंड पार्ट है वो कब रन होगा, मेंस टू के बाद रन होगा, तो ऑफकोर्स वहाँ तो मेंस वाले टेस्ट होंगे नहीं, तो हमें कम दिन में ही सेम चीज़ एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कराएंगे। तो जो 15 फेब से जब दोनों ही चालू होगा तो एडवांस के भी टेस्ट कराए जाएंगे। ये सारा कुछ जो पढ़ाया जाएगा क्लास में पढ़ाया जाएगा, सब कुछ एडवांस के लिए है, बट बच्चा मेंस से टच लूज ना करे इसलिए उसको मेंस वाले टेस्ट तो दिए जाएंगे ताकि उसका टच लूज ना हो और मेंस टू में भी वो अच्छा करे, अपनी जो भी परसेंटाइल उसको और बेटर करे। तो इसलिए हमें कुछ कुछ दिन, हमने यहाँ पे फर्स्ट साइकिल में थोड़ा सा दिन एक्स्ट्रा रखा है मेंस की टेस्ट के लिए। ओके, नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन एंड आंसर जल्दी जल्दी कर लेते हैं। थ्योरी ओनली थ्रू क्वेश्चन, मतलब थ्योरी पढ़ाया नहीं जाएगा, अगर कुछ भी हमें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है या ये थोड़ा सा डीप थ्योरी, तो वो क्वेश्चन के थ्रू ही कवर करेंगे। कैट्स जे जो है उसमें इजी, मॉडरेट और टफ क्वेश्चन, तीनों तरह के क्वेश्चन करेंगे। ऑफकोर्स जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जे एडवांस का जो इजी होगा और मेंस का जो इजी होगा उसमें डिफरेंस है ऑफकोर्स। तो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एडवांस की बात चल रही है, मतलब ये बोर्ड का इजी नहीं है, एडवांस के हिसाब से जो इजी, मॉडरेट और टफ क्वेश्चंस होंगे वो कराए जाएंगे कैट्स जे प्रो में। मतलब जो बच्चा ऑलरेडी 99.5 से ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, उसको इजी क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं एडवांस के हिसाब से, उसे मॉडरेट टफ एंड खूब टफ, मतलब दो एक का दो का क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो काफ़ी टफ होगा, इसमें दिमाग की खूब कसरत होगी, उस तरह के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये इसमें प्राइमरी डिफरेंस हम बोल सकते हैं। सेकंड पॉइंट, हु आर जस्ट मिसिंग द मार्क टेक कैट्स ऑनलाइन, मतलब इसमें ऐसा भी होगा कि एक बच्चा ये बोलेगा कि मेरा तो 98.9999 आ गया, ठीक है, मेरा तो जस्ट मिस हो गया, ये ठीक है, ये कर दो वो कर दो। तो आई विल से कि अच्छा, ये उनके लिए भी कि जिसका 97.99 आ जाए, 97 आ जाए, कुछ बच्चे ऐसा भी होते हैं कि जिनकी परसेंटाइल मैंने 96 है फिर भी वो सोचेंगे हम कैट्स में आ जाएं। तो देखो, तुम्हारे लिए ये कोर्स नहीं है, कोर्स नहीं है का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें रोका जा रहा है, बट ये तुम्हारी भलाई नहीं है, इसमें इस कोर्स को करने में तुम्हारी कोई भलाई नहीं होगी, बिकॉज योर रिक्वायरमेंट आर डिफरेंट, आप पहले उस पर काम करो, फिर भी अगर आप कैट्स लेना चाहते हो तो कैट्स ऑनलाइन खुला हुआ है, दैट इज़ इक्वली गुड, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं कैट्स ऑनलाइन से, और अच्छी तरह प्रिपेयर करो, मेंस टू में अच्छा लाओ और इसकी सेकंड साइकिल आप ज्वाइन कर सकते हो मेंस टू के बाद, ये उन बच्चों के लिए। फोर्थ हो गया, स्टूडेंट्स हु आर एबल टू फुलफिल द क्राइटेरिया इन जेई मेंस टू कैन
अवेल इट आफ्टर मेंस टू, मतलब ऐसा है कि कोई बच्चा ये बोले कि मेरा मेंस वन तो अच्छा नहीं गया बट मेंस टू में मैं अच्छा कर लूँगा, तो क्या मेरा ये पैसा रिफंड हो जाएगा? तो देखो कोई रिफंड नहीं होगा, या तो अभी आप कैट्स ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन में रिफंड की फैसिलिटी है ऑफकोर्स कि अगर कोई बच्चा 98% से ऊपर आता है तो उसका फी रिफंड हो जाता है, बट ऑफलाइन में यहाँ पे कुछ नहीं। यहाँ पे तो अगर कोई मेंस टू में अच्छा करता है तो फिर मेंस टू के बाद वाली जो साइकिल है उस पर वो सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं, वहाँ वाले पोर्शन में ऑफ कोर्स यू कैन अवेल दिस फैसिलिटी, बट जो मेंस वन और मेंस टू के बीच में उसका पूरा क्राइटेरिया केवल मेंस वन के रिजल्ट पे ही बेस्ड है। फिफ्थ पॉइंट हो गया द हॉस्टल रूम वीडियो विल बी अपलोडेड सून, मतलब 3-4 दिन में जो हॉस्टल का रूम वगैरह होगा उसका हम एक वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे। क्लासेस विल रन एट कॉम्पिटिशन टावर टू गोपालपुरा कैंपस जयपुर, ये तो ऐसी जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो गोपालपुरा कैंपस है वहाँ पे हमारी कैट्स की क्लासेस रन होंगी। सेवन्थ पॉइंट हो गया यू कैन रजिस्टर इन दिस कोर्स थ्रू द गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर ट्यूशन फीस पेमेंट कॉन्टैक्ट सपोर्ट फॉर पेमेंट लिंक, मतलब ट्यूशन फीस में ऐसा हो गया कि जैसे 98 से 99 वाले जो बच्चे हैं बीच में उनकी जो फीस है वो अलग अलग आएगी सबकी, तो एक तो हम इसकी फीस की लिंक बना के डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज आप हमारे सपोर्ट नंबर पे ही बात करते हैं वो आपको एक कस्टमाइज्ड लिंक दे देंगे, उस लिंक को फॉलो करके यू कैन पे द ट्यूशन फीस। बाकी रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह के तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व, ऑफकोर्स इस बैच में जैसे काफ़ी लोग पहले से बैठे हुए, मैंने बोला 6-7-8 महीने पहले से ही हमारे पास इंक्वायरीज हैं तो इसमें थोड़ा सा कंजेशन तो हो गई, बट वी हैव सर्टेन ब्रेथ एंड सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच वी कैन टेक, तो फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा। फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व का मतलब ये है कि 99.5 से ऊपर वाले जो बच्चे हैं मान लिया वो हमें एक्स चाहिए, तो जैसे ही एक्स हो जाएंगे बस हम रोक देंगे, फिर भले ही आपकी 99.5 से ऊपर हो देन यू वॉन्ट बी अलाउड, मतलब बिकॉज वी कैनॉट एकोमोडेट, हमारे भी खर्चा करने का एक जैसे बोलते जेब में एक सर्टेन पैसा है जो हम खर्चा कर सकते हैं क्योंकि रहने खाने का खर्चा तो हमें ही करना पड़ेगा, और बाकी जो दूसरे बच्चे हैं उनके लिए भी जो मतलब फी पे करके भी जो आ रहे हैं उनके लिए भी एक सर्टेन नंबर है बिकॉज क्लासरूम का साइज एक सर्टेन है, उसके बियॉन्ड वी विल नॉट गो, तो इस बात में आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड ऑफकोर्स टीम कॉम्पिटिशन हैज़ ए राइट टू डिनाई इनरोलमेंट वन सीट कोटा इज फुल, मतलब ये हमारा राइट है, आप ये नहीं, अगर सीट फुल होगी तो फिर आप ये नहीं बोलते आपने तो वीडियो बनाया था कि इतने मार्क्स आएगी तो वो हो जाएगा एडमिशन हो जाएगा, अब आप क्यों नहीं ले रहे हो, तो उसका देखो हमने अपना दिया कि हमारे पास रिसोर्स का लिमिटेशन है, जैसे ही हमारा वो एग्जॉस्ट हो जाएगा वी हैव टू से कि थैंक यू अब आप प्लीज़ ऑनलाइन कैट से पढ़ लें। ठीक है, नॉन सी एस स्टूडेंट कैन इंश्योर कैन रजिस्टर फॉर पेइंग रजिस्ट्रेशन, मतलब अब ये हो गया कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये वीडियो तो आज हमने रिलीज़ कर दिया बट जेई मेंस का जो रिजल्ट है वो तो अभी कुछ दिन बाद आएगा, तो अब बंदा रिजल्ट तक का वेट कैसे करेगा कि रिजल्ट के बाद ही वुड बी एबल टू डिसाइड कि कौन सी फीस उसके लिए एप्लीकेबल है या फीस उसके लिए एप्लीकेबल है भी या नहीं है, टोटल फ्री तो नहीं मिल रहा है। तो आई विल से कि जो CS वाले स्टूडेंट हैं उनको तो रजिस्टर करने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना केवल सपोर्ट में नाम लिखा सकते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड आई वुड बी कमिंग टू जयपुर टू इनरोल दिस बैच। जो नॉन CS स्टूडेंट है जो किसी प्रखर प्रवीण जो भी मैंने बैच बोले थे उनमें से किसी में इनरोल नहीं है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन फीस तो देना पड़ेगा, तो वो उस रजिस्ट्रेशन फीस को अभी से पे कर सकते हैं, रिजल्ट के बाद रिमेनिंग फीस जो भी एप्लीकेबल है वो कर सकते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन में जो सीक्वेंस फॉलो होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वी विल फॉलो दैट, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज कोई भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं 8 0 2 1 या 7 4 1 0 9 0 0 लास्ट में 9 0 1 9 0 6 9 0 8, इन चारों में से किसी भी नंबर पे बात कर सकते हैं। सारे कोर्सेज के जितने भी कैट्स जे प्रो हो या कैट्स जे हो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऑनलाइन पे करने के लिए आप हमारी एंड्रॉयड ऐप जो है एडू कॉम्पिटिशन वहाँ पे कर सकते हैं या फिर वेब में online.competition.com वहाँ जा सकते हैं। किसी भी तरह के कोई भी सपोर्ट है, जैसे जब भी हम वीडियो डालते हैं तो किसी किसी बच्चे के डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम होती है, नेट में कुछ प्रॉब्लम होती है, वो ये बोलना चालू कर देता है कि ये तो खुल ही नहीं रहा है, ये ऐसे हो रहा है, तो अगर इस तरह की कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जाने की बजाय इनमें से किसी एक नंबर पर बात कर ले, दे विल रिजॉल्व योर क्वेरी। चलिए नेक्स्ट इज कैट्स, एक बहुत वैसे तो देखो वेन यू आर हियर ऑफकोर्स इट इज़ गोइंग टू बी वेरी एग्जॉस्टिव कोर्स, मतलब जिसे हम बोलते हैं कि यू विल बी टेस्टिंग योर लिमिट्स ऑफ हार्ड वर्क, बट एक बहुत ब्रीफ सा मैं एक आपको व्यू दे देता हूँ कि हम करेंगे क्या। जो कैट्स जे प्रो है ऑफकोर्स इट इज़ गोइंग टू बी वेरी एग्जॉस्टिव, और इसमें हम मतलब ये सोच रहे हैं कि जो इस कैटेगरी में बच्चा होगा
उसके सारी सब्जेक्ट बढ़िया होंगे, उसे मतलब थ्योरी सारी आती होगी मोस्ट वाली, क्योंकि उसे थ्योरी में टाइम नहीं देना पड़ेगा। मतलब अच्छा, बाई चांस एक बच्चा ऐसा हो सकता है जिसका 99.6 हो, बट वो बोले कि मैं तो इसमें जाना चाहता हूँ, तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन डिसाइड कि इन दोनों में से विच वन इज़ बेटर फॉर यू। तो फर्स्ट वाले केस में जैसे 25 दिन की साइकिल होगी, हाँ, उसमें 25 दिन की साइकिल मतलब बीच में संडे आ गया, या फिर जिस दिन हमने मेंस का टेस्ट कराया उस दिन को छोड़ के पूरे कोर्स को हमने 25 चैप्टर में बांट रखा है। तो डे वन, डे टू, डे थ्री ऐसे करके, डे वन में हम क्या करेंगे, 3 घंटे की एक ऑफलाइन लेक्चर होगा, 1 घंटे फिजिक्स का मान लिया हमने। डे टू की बात करें जैसे रनिंग डेज में जो दूसरा दिन होगा उस दिन मैथ का जब चैप्टर टू का 1 घंटे का क्वेश्चन सेशन होगा, मतलब ऑफलाइन क्लास होगी जैसे ऑफलाइन में होती है, ऐसे फिजिक्स का होगा, ऐसे केमिस्ट्री का होगा। तो बच्चे के बेसिकली बीच में 15 मिनट का गैप भी होगा, तो यहाँ पे लगभग 3.5 घंटे चले गए उसके, ठीक है। उसके बाद जो उससे पहले चैप्टर कवर हुआ होगा, इसलिए मैंने डे टू लिया, जो डे वन पे चैप्टर कवर हुआ होगा उसका टेस्ट होगा तीनों सब्जेक्ट में 1-1 घंटे का इंडिविजुअल टेस्ट, ये ठीक है। अलग अलग टेस्ट हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम डायग्नोज कर पाएंगे उस चैप्टर में आपकी स्ट्रेंथ क्या है। एक फुल सिलेबस टेस्ट तो संडे को होगा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, फुल सिलेबस टेस्ट तो अभी से चालू हो जाएंगे, ये जो कोर्स है वो तो चैप्टर बाई चैप्टर कवर होता जाएगा, ये ठीक है। बट जो फुल सिलेबस टेस्ट हैं एडवांस के, जो 6 घंटे का टेस्ट होता है, वो तो हर संडे को ऐसे ही होता जाएगा, ठीक है। मतलब मेंस का भी कराएंगे और एडवांस का भी कराएंगे ताकि बच्चा मेंस टू की भी तैयारी कर पाए और एडवांस की भी तैयारी कराए। उसके अलावा टेस्ट में बता रहा हूँ, जो फुल सिलेबस होंगे उनके अलावा 1-1 घंटे का टेस्ट होगा ताकि हम चैप्टर में डायग्नोज कर पाएँ, बच्चे को खुद पता लग जाए कि ये चैप्टर। और इसीलिए हमने PCM को भी अलग अलग कर दिया, एक साथ नहीं लिया, मैथ का पहले एक टेस्ट होगा, ताकि पूरे टेस्ट में तो क्या हो सकता है कि कोई चैप्टर अगर आपका वीक है तो हो सकता है कि वो फिजिक्स में ज़्यादा मार्क्स आ जाएं तो टोटल मार्क्स में वो ओवरशेड हो जाए, में दिखाई ना दे, ऐसा हो सकता है। इसलिए अलग अलग किया ताकि ईच एंड एवरीथिंग डायग्नोज हो पाए। इसके बाद 3 घंटे का मतलब 1-1 घंटे के लिए हम, मतलब इसमें कोई क्लास नहीं होगी, इसमें तो बच्चे बैठे होंगे हमारी सेंटर में, जो भी रूम हमने उनके लिए अलॉट कर रखा होगा वहाँ पे बैठ के वो DPP सॉल्व करेंगे जो भी उस चैप्टर वन का हो गया, ठीक है। तो जैसे आज हमने चैप्टर टू का, आज अगर हमने चैप्टर टू का लेक्चर लिया तो जो टेस्ट होगा वो 1 दिन पहले का होगा चैप्टर वन का, और जो DPP होगा सॉल्व ऑफ कोर्स वो चैप्टर टू का होगा, क्योंकि चैप्टर वन का तो उसने पहले दिन सॉल्व कर लिया होगा। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। तो 1 दिन में यहाँ पे 1 चैप्टर चला जाएगा, दूसरे दिन दूसरा चैप्टर गया, तीसरे दिन तीसरा चैप्टर गया, तो ऐसे करके टोटल 25 सेशन में हमारे 25 चैप्टर पूरे हो जाएंगे। जो कैट्स जे वाले बच्चे हैं इनमें कुछ बच्चे, मतलब वी आर थिंकिंग इसमें ऑफकोर्स कुछ बच्चे ऐसे भी आएंगे जो बोलेंगे मैंने ये चैप्टर वीक है अभी, इसके मेरे को थोड़ा सा ब्रशअप करना है, लेक्चर देखना है। तो इसलिए जो हम यहाँ पे पर डे पर चैप्टर कंप्लीट करें, यहाँ पे हम 1 चैप्टर इफेक्टिवली 2 दिन में कंप्लीट करेंगे ताकि उस बच्चे को ब्रीदिंग स्पेस मिल पाए, और अगर वो कुछ पढ़ना चाह रहा है उस चैप्टर में तो वो भी वो कर पाए, अगर उसका उस चैप्टर में कोई वीक एरिया है तो उस पर भी वो काम कर पाए, इसलिए थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस हमें चाहिए होगा। तो हमने क्या बोला कि डे वन में वो 3 घंटे का इसी तरीके का क्लास होगा, 1-1 घंटे के 3 क्लास हो गए, ठीक है, प्लस DPP सॉल्विंग इसी तरह का होगा, तो ये तो 3 और 3 6 घंटे का हो गया। बाकी टाइम वो क्या करेगा, तो बाकी टाइम जो हमारी CS कंप्यूटर लैब है, ये ठीक है, हमारे ही सेंटर पे एक लैब है जिसमें खूब सारे कंप्यूटर हैं, ऑफ कोर्स जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे उससे ज़्यादा कंप्यूटर अवेलेबल है ऑल द टाइम, ठीक है। वहाँ पे ऑनलाइन मोड में अगर बच्चा कुछ ब्रशअप करना चाहे, कुछ रिवाइज करना चाहे या कुछ पढ़ना चाहे, तो जो भी हमारे चैम्प हो गया, CCube हो गया, मतलब CCube की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ऑफकोर्स कैट्स वाले बच्चों को, बट चैम्प हो गया या प्रवीण फास्ट लेन हो गया, कि एक चैप्टर अगर बच्चों को मतलब पढ़ तो रखा है बट बहुत मज़ा नहीं आया उसको, तो फास्ट लेन से वो पूरा डेप्थ में ऑन एडवांस के लेवल तक का वो पढ़ सकता है, तो हमारी लैब में बैठ के पढ़ सकता है, उसको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन मोड में ऑल रिसोर्सेज विल बी अवेलेबल टू हिम। या फिर कोई बच्चा यहाँ पे हो सकता है कि उसने बोला कि मेरा जो अब चैप्टर चल रहा है उसमें मेरा कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो यहाँ पे बैठ के PYQ की प्रैक्टिस कर सकता है हमारी लैब के अंदर, PYQ को टेस्ट ले सकता है, कुछ भी कर सकता है, मतलब इस तरह के रिसोर्सेज इसलिए हमने उसके बच्चे के लिए कंप्यूटर में रखा है सब कुछ। डे टू में जो टेस्ट यहाँ पे हो रहा था वो हमने डे टू में शिफ्ट कर दिया ताकि यहाँ ये DPP सॉल्व करे, आराम से अपने नोट्स वोट्स रिवाइज करे, और अगले दिन वो 1-1 घंटे के वही 3 टेस्ट आके दे दे। जितने भी टेस्ट हैं वो CBT मोड में होगा, मतलब हमारे यहाँ अपनी लैब है, पूरा एक फ्लोर है जिसके अंदर कंप्यूटर लैब है, तो सारे जो टेस्ट होंगे वो CBT मोड में होंगे ताकि जो एक्चुअल पेपर में जो कंप्यूटर के ऊपर हाथ चलाने का हमारा फ्लो है वो बन जाए। काफ़ी जगह ऐसा होता है कि 1-2 टेस्ट करा देते हैं लास्ट में, तो उससे जो बच्चे का फ्लो है वो नहीं आ पाता, स्पीड नहीं आ पाती, तो इसलिए ईच एंड एवरी टेस्ट, मतलब
जिसे बोलते हैं बाल्टी भर भर के टेस्ट होंगे हमारे एवरी वीक, दो तीन मतलब तीन तो यही चैप्टर टेस्ट हो गए, मतलब इनके इन इन बच्चों के लिए तो छह टेस्ट तो यही हो गए, प्लस एक फुल सिलेबस टेस्ट, प्लस जेई मेंस का टेस्ट भी होगा, तो टेस्ट तो भर भर के हो गए। मतलब बंदा इस अगर इस कोर्स को कोई फॉलो करता है तो वो इतना प्रो हो जाएगा कि उसको अगर हम सोते हुए भी उठा के बोलेंगे टेस्ट दे दे तो वो दे दे खटाखट करना चालू कर देगा, इतने सारे टेस्ट होंगे। अच्छा, कुछ पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सिस्टमैटिक प्लान टू रिवाइज एंटायर सिलेबस, मतलब एक ऐसा हो गया कि बच्चा जब खुद करने की कोशिश करता है तो वो अब काफ़ी टाइम वेस्ट कर लेता है इन डिसीजन में कि ये करूँ वो करूँ कहाँ से करूँ कितने करूँ ये ठीक किस लेवल के करूँ किस किस सोर्स से करें, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अभी तो जो बच्चा मान लिया 8,000 रैंक पर बैठा हुआ है या फिर कोई 4,000 रैंक पर बैठा हुआ है तो वो ये थोड़ा चाहेगा कि मेंस की मेरी परफॉर्मेंस एडवांस में रिपीट हो जाए, वो तो चाहेगा कि 4,000 रैंक पे तो एडवांस में मेरी 1,000 के अंदर रैंक आए। तो जो जितने भी आर्ट्स अवेलेबल हैं अभी से लेकर एडवांस तक के, दे शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर गेनिंग द नॉलेज, ये ठीक है, फॉर प्रैक्टिस टेस्ट देना, रादर देन कि वो रिसोर्स हंटिंग कर रहा है, टेलीग्राम पे घूम रहा है, इधर उधर कोचिंग में बात कर रहा है कि आप कैसा कराओगे आप कैसे कराओगे, या डाउट काउंटरों पे घूम रहा है वहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा है। तो एवरी वेस्टेज ऑफ एन आर आई विल से कि उसकी रैंक एक आध रैंक तो नीचे ले आएगा, ये ठीक है। तो किसी ने 50 घंटे वेस्ट कर दिया तो डिपेंडिंग अपॉन, अगर वो 8,000 की रैंक बैंड में फाइट कर रहा था तो हो सकता है 1,000 में रैंक नीचे आ जाए, अगर वो टॉप 100 में फाइट कर रहा था तो हो सकता है उसकी 20-30 रैंक नीचे आ जाए, ठीक है। फिर इसलिए दिस कोर्स विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग अंडर वन रूफ, मतलब आपका काम केवल पढ़ना होगा, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना होगा ताकि आप अपना सारा यूटिलाइजेशन जो होगा टाइम का वो पढ़ने में लगाएं, नॉलेज गेन में लगाएं, ताकि आपका लेवल बढ़ता ही चला जाए ईच एंड एवरी डे, रादर देन कि हम चीज़ें डिसाइड करेंगे कहाँ से कितने क्वेश्चन करूँ, कब टेस्ट दूँ, कितने टेस्ट दूँ, और मेंस का कब दूँ, एडवांस का कब दूँ, वो सारी टेंशन खत्म, वो सारा हम देख रहे हैं, बस तुम फॉलो करो। दूसरा पीयर लर्निंग हो गया कि एक बच्चा ऐसा होता है घर पे बैठा बैठा मान लिया ऑनलाइन मोड में पढ़ रहा है, या फिर कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि ऑफलाइन में एक बार क्लास खत्म हुई फिर वो भगा देते हैं कि जाओ भी देखो अपने आप, तो हो सकता है घर पे बैठ के काफ़ी टाइम लीक हो जाए, ठीक है, कि मम्मी ने ये बोल दिया सब्जी लिया, इस तरह की चीज़ें होंगी। यहाँ पे वो जो पीयर लर्निंग का जो इन्वायरमेंट मिलेगा उसमें हो सकता है कि बंदा अपनी आउट ऑफ द स्किन आके परफॉर्म करे, मान लिया घर पे बैठ के वो जितनी मेहनत कर रहा था वो अपनी तरफ से तो फुल मेहनत कर रहा था, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि अपनी तरफ से घर पे लगे कि इतनी मेहनत के अलावा दुनिया में कोई नहीं कर सकता, बट यहाँ पे आके हो सकता है तुम देखो यार सामने वाला बंदा तो बिल्कुल ही राक्षस है, ये तो 16-16 घंटे पढ़ लेते हैं, तो भले ही आप 10 घंटे पढ़ने वाले हो तो आपको कुछ तो श्रम आएगी कि 10 की बजाय चलो 12 ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, 16 उसको मैच नहीं कर सकते बट 12 तो पढ़ लेते हैं। ये 2-2 घंटे का जो इंक्रीमेंट होगा ओवर ए पीरियड ऑफ 4 मंथ, दिस कैन गिव ए जबरदस्त बूस्ट इन योर रैंक, ठीक है। तो ये तो इसका पॉजिटिव हो गया, बट आई विल अगेन से कि इसका एक नेगेटिव आस्पेक्ट भी है, मतलब मैं ऐसा नहीं कि अपना कोर्स है तो उसको सब पॉजिटिव पॉजिटिव ही बताएं, नेगेटिव आस्पेक्ट भी है, कुछ बच्चे जो हैं वो दूसरे की परफॉर्मेंस को देख के खुद डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चे जो हैं जो मतलब दूसरे की मेहनत को देख के मोटिवेट होने की बजाय डीमोटिवेट हो जाएं, कुछ बच्चे को लगता है यार मैं इसको तो कभी नहीं बीट कर पाऊंगा, तो इससे क्या होता है कि उसकी जो रैंक 4,000 आने वाली थी वो 4,000 भी नहीं आएगी, वो डिप्रेशन में चला जाएगा और नीचे चली जाएगी। तो अगर किसी को इस तरह का डिप्रेशन का थोड़ा सा नेगेटिव कुछ है, मतलब पेरेंट्स भी जज कर सकते हैं इस बात पे, तो वो आई विल से कि दे शुड नॉट कम, अगर वो फिर आराम से बैठ के खुद ही प्रिपरेशन करें तो उनकी बेटर रैंक आ सकती है। तो इसके दोनों ही पक्ष हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी थे। फिर स्मॉल सिटी इंस्टीट्यूट टॉपर, कभी कहीं ऐसे भी होते कि छोटे छोटे शहरों में एक बच्चा ऐसा होता है कि एक ही बच्चा टॉपर है, मतलब ऐसा होगा हमने काफ़ी देखा है कि छोटे शहरों में मालूम पड़ा कि उसके तो 90% मार्क्स आ रहे हैं और जो उसके अगला बच्चा है उसके 60% मार्क्स आ रहे हैं, फिर उससे जो अगला बच्चा है उसके 30% मार्क्स आ रहे हैं, तो जो 90% मार्क्स है वाला जो बच्चा है उसको लगता है कि उसको बेसिकली फॉल्स कॉन्फिडेंस आ जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं, ऑफकोर्स अच्छा है, बट इट डिपेंड्स कि आपका पोटेंशियल क्या है, हो सकता है आपका पोटेंशियल और भी बहुत ज़्यादा अच्छा होने का हो सकता है कि आप वहीं सेटिस्फाई हो जाओ कि मैं तो टॉपर हूँ सब में, बट यहाँ पे यू विल बी सिटिंग अमंग द टॉपर्स, यहाँ पे तुम उन लोगों के साथ बैठोगे जो जिनके सभी के 90% आ रहे हैं, ये ठीक है, इवन किसी के 96% आ जाएगा, किसी के 100% आ जाएगा किसी एक पेपर में, तो उसको देख के फिर बंदा स्लॉग मारने की कोशिश करता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हो सकता है उसकी रैंक 110 से घट करके टॉप 100 के अंदर आ जाए, 96 के अंदर आ जाए, तो वो जो टैग मिलेगा वो तो लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहेगा। तो ऐसे बच्चों के लिए भी ये लास्ट के जो 4 मंथ से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम ऐसा ना है कि आराम से हो जाए कि अरे मेरे आसपास से कोई है नहीं, मैं ही इतनी मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए ऑफकोर्स, बट
यू कुड बी बेटर। अगर आप उन लोगों के साथ कंपीट करो तो यू कुड बी डेफिनेटली बेटर। ठीक है, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है, जैसा अभी मैंने बोला कि हो सकता है कि दूसरे को देख के एक्स्ट्रा आवर्स आप थोड़े से पुट करो, आपको नींद कम आए, हो सकता है वैसे घर में पड़े पड़े तो ज़्यादा नींद आती है, तो डेफिनेटली रैंक विल गो अप। टाइम लीकेज एट होम मैंने बता दिया कि यहाँ पे तो आपको 9-10 घंटे सेंटर पे ही बैठना पड़ेगा, ठीक है, और जो बच्चा फॉलो नहीं करेगा, डिसिप्लिन में फॉलो नहीं करेगा, हम उसको राम राम बोल देंगे अलग से, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बच्चे की वजह से बाकी लोगों का डिसिप्लिन ख़राब हो। तो भले ही आप इसको एलिजिबल हो, ये ज़रूर हमारा टर्म्स एंड कंडीशन है कि यू आर सपोज टू स्लॉग हार्ड, ये ठीक है। अब कोई बच्चा बीमार है ये वो हो गया, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑफकोर्स, वो तो हमें ही बता देते हैं, मतलब हम भी राक्षस नहीं है बट अगर आप प्रिपरेशन मतलब हेल एंड हार्टी हो तो यू आर सपोज टू सिट देयर और जो भी आपको बोला जाए वो करो। आप मतलब जिसे बोलते हैं बैड फिश ना बने पूरे पॉन्ड को खराब करने के लिए, आप अपनी मेहनत करो, जो आपको टास्क दिया जाए वो आप, मान लिया 9 घंटे की बजाय कोई बच्चा बोले कि मैं 6 घंटे में कंप्लीट करता हूँ, अब जा सकते हो, तो हम बोलेंगे बिल्कुल, हम तुम्हें कार से छोड़ के आएंगे जहाँ तुम जाना चाहोगे। इस तरह की चीज़ें हैं। फिर इफ़ यू हैव डाउट वेदर टू कम और नॉट देन प्लीज़ डोंट कम। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ है कि अगर कोई बच्चे के माइंड में दो चीज़ें, मैं आऊँ या नहीं आऊँ या आऊँ या नहीं आऊँ, तो हम बोल रहे हैं, हम डाउट दूर कर दें, प्लीज़ डू नॉट कम। ठीक है, आप अपनी जगह पढ़ाई करो तो शायद आपको डाउट नहीं रहेगा और अच्छी तरीके से एफर्ट मार पाओगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। अगर एक तो यह कि सुनते ही हमें लगता है बिंगो यही चीज़ तो मेरे को चाहिए थी एग्जैक्टली, तभी आप आओ, फर्स्ट इंप्रेशन ही अगर ऐसा हो, अगर आपको सोचने के में टाइम लग रहा है कि यार पता नहीं मेरे फायदा होगा कहीं नुकसान ना हो जाए, तो मैं बता रहा हूँ नुकसान ही होगा, फिर बताओ। ठीक है, प्लीज़ डू नॉट कम। नेक्स्ट इज नॉट सुटेड फॉर वीक हार्टेड। हमने लगा कि भाई मेहनत होगी, अच्छी खासी मेहनत होगी, तो यहाँ पे तो जो बच्चा है उसका प्राइम जो एम है वो क्या होगा कि यार ये जो रैंक आएगी इससे मेरा आईटी डिसाइड होगी, ब्रांच डिसाइड होगी, जिससे अगले 30-40 साल का करियर डिसाइड होगा, तो मेरे को तो बस मेहनत करनी है, 4 महीने मेरे को तपस्या करनी है ज़बरदस्त, ये ठीक है। बाकी वैसे तो हम देखो खाना अच्छा ही देंगे अपनी तरफ से, जो भी बच्चे हमारे लॉजिंग फूडिंग के अंदर आएंगे हम तो अपने बेस्ट करेंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ ब्रेन मिलता है। बट फिर भी इस तरह का नहीं होना चाहिए कि अरे आज तो दाल में घी नहीं डाला था, आज तो ये हो गया, मतलब जिसको इस तरफ जिसका ध्यान है, मतलब कहने का मतलब ये कि जिसका इस तरफ ध्यान है ना कि आज तो क्या बोलते हैं धूप नहीं आई हमारे रूम में, तो उसका मतलब पूरा 100% ध्यान ही नहीं पढ़ाई पे। तो इस तरह के जो ममाज बॉय हैं वो उनके लिए नहीं आए, जैसे कि स्ट्रांग हार्टेड है और एक ही गोल है कि जेई में बेस्ट रैंक लानी है, तभी कंसीडर करें। पार्शियल ड्रॉपर के लिए दिस कुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि पार्शियल ड्रॉपर काफ़ी ऐसे होंगे जिन्होंने मेंस वन दिया होगा, अब उन्हें होप लग रहा हो कि दे कैन डू मच बेटर, तो वो सेकंड सेमेस्टर ड्रॉप कर सकते हैं। और मतलब ऐसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों के साथ मैंने बात हुई है जो ऑलरेडी सीएस में कहीं बैठे हुए हैं अच्छी एनआईटी में, एंड दे वांट टू गिव अपना एक और ट्राई, ताकि उनके दिमाग में वो मलाल ना रहे कि मैंने ट्राई नहीं किया अपना। तो ये जो 4 महीने उसमें वो सुपर फाइट मार के अच्छा आईटी का टैग विद गुड ब्रांच ले सकते हैं, तो उनके लिए भी ये बैच वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि ऐसे बच्चे कहीं किसी सिस्टम में होंगे नहीं, किसी ऑफलाइन में होंगे नहीं, तो दे विल बी हैफ हैजर्ड कि कहाँ से पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, कुछ भूल गया। तो इसीलिए हमने बोला कि हमारी सीएस की लैब भी, अगर कुछ भूल गए तो सारे रिसोर्सेज वहाँ पे हैं, आप अपने हिसाब से ब्रशअप कर सकते हो। ठीक है, अब कोई बच्चा कहीं लाइव सोर्स जिसे बोलते हैं लाइव कोर्स कहीं ज्वाइन कर ले, फिर उसका मालूम पड़ा कि जो उसका चैप्टर वीक है वो तो 23वें नंबर पर आने वाला है, 1.5 महीने बाद आने वाला है, तो वो बैठा बैठा जब तक वेट करेगा कि वो चैप्टर कब आएगा। इस तरह की चीज़ें हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन का ये ज़बरदस्त ब्लेंड है, जहाँ पे आप दोनों के फ़ायदे उठा सकते हो और कस्टमाइज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ताकि आपकी बेस्ट रैंक आए। ठीक है, 9th इज डू नॉट पुश योर पेरेंट्स इफ दे आर नॉट विलिंग, कैट्स ऑनलाइन इज इक्वली गुड। हाँ, मतलब इसमें लास्ट ईयर भी हमारे साथ ऐसे होता है, कुछ ऐसा होता है कि पेरेंट्स की हो सकता है कि जिसे बोलते ना कि आर्थिक क्षमता इतनी ना हो कि वो बच्चा भेज पाए यहाँ पे, बट बच्चे जिद करने लगते हैं कि नहीं मेरे को तो जाना है, तो आई विल से कि प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये मत करो। आपके पेरेंट्स आपका बेस्ट भला चाहते हैं, अगर उनकी सामर्थ्य होगी पैसे वाइज तो वो डेफिनेटली भेजेंगे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ जबरदस्ती आपका बुरा करना चाहते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि आप घर में पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, विच इज़ वर्चुअली फ्री, जो भी बच्चा 98% से ऊपर लेके आ रहा है, एंड दैट इज़ इक्वली गुड, ईच एंड एवरी रिसोर्स इज अवेलेबल देयर ऑल्सो। तो ये मेरी एक तरफ से रिक्वेस्ट रहेगी। फिर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव पॉइंट मैं बताता हूँ, ऑल 3 सब्जेक्ट अंडर वन रूफ, मतलब ऐसा नहीं कि फिजिक्स पढ़ने हमें वहाँ जाना पड़ रहा है, केमिस्ट्री यहाँ से पढ़ रहे हैं, तो एक कोहरेंट और जिसे बोलते हैं कि होमोजीनियस सिस्टम ही ना हो, यहाँ पे तो हमें होमोजीनियस सिस्टम मिलेगा, जो भी फिलोसफी यूज़ हो रही है वो तीनों सब्जेक्ट में यूज़ हो रही है, तभी हमारा बेस्ट रिजल्ट आता है, क्योंकि जो जेई का एग्जाम है दैट इज़ नॉट पी प्लस सी प्लस एम, इट इज़ सिंपली पी सी एम,
तीन घंटे हमें तीनों सब्जेक्ट के लिए मिलते हैं, तो जो सब्जेक्ट के अंदर का इंटरप्ले है कि हम ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं अपनी स्कोरिंग को, मतलब ऐसा हो सकता है कि मैथ का मैं क्वेश्चन जानता बूझता जो मेरे को आता है वो छोड़ दूँ, क्योंकि हो सकता है उस कॉस्ट पे मेरे दो तीन क्वेश्चन और सॉल्व हो जाए। तो यही तो करना है हमें, अपना मार्क्स मैक्सिमम करना है, ये हमारा कुछ नहीं कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है। कुछ बच्चे जानबूझ के लेंदी क्वेश्चन छोड़ते हैं कि पहले हम इजी क्वेश्चन ज़्यादा नंबर में कर पाएँ ताकि हमारे मार्क्स बढ़ें, तो उस तरह की चीज़ है। स्टेबिलिटी कॉम्पिटिशन, मतलब ये 4 ईयर पहले स्टार्ट हुआ था, टीम सेम है हमारी, चार हर साइकिल में हमने थिंग्स को बेटर किया है, क्योंकि जो भी पिछली साइकिल से हमें लर्निंग मिलती है उसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी लर्निंग में। ऐसा नहीं है कि हर साल हमारी टीम चेंज हो रही है, कोई सिस्टम आज तक बनाई नहीं है, कहीं से कोई टेस्ट कोई इस इंस्टीट्यूट से उठा लिया, फिजिक्स वाले ने केमिस्ट्री वाले बंदे ने इससे उठा लिया और मैथ वाले बंदे ने इससे उठा दिया, तो एक खिचड़ी सी बना के बच्चों को दे दी। कोई सेट सिस्टम नहीं है, कोई DBP नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। आप अपने दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम सोचो, ठीक है, आप सोचो कि यार मैंने नोट्स ही नहीं बनाए, मेरे को रिवाइज करना है, तो मैं नोट्स कहाँ से लाऊँ, हम देंगे आपको। आ जाओ यहाँ पे, हमारे JEE मिनी नाम का एक प्रोडक्ट है जहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, नोट्स पूरे भी मिलेंगे आपको और फिर मीडियम वाले नोट्स भी मिलेंगे और शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, तीनों तरह के नोट्स मिलेंगे। मतलब यू थिंक ऑफ ए प्रॉब्लम, उससे पहले हमारा सोल्यूशन होगा, हमारे पास उस चीज़ों का भी सोल्यूशन होगा जो तुमने प्रॉब्लम सोची भी नहीं होगी, सारी सोल्यूशन हमारे पास है। फिर फोर साइकिल, जैसे मैंने बोला कि कॉम्पिटिशन का एडवांटेज क्या है ओवर अदर इंस्टीट्यूट, कि हमने चार साइकिल फ्लॉलेसली रन की हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग सिस्टम इज इन प्लेस, मतलब आपको आना है और ईच एंड एवरीथिंग विल बी ऑन टाइम ऑन शेड्यूल। मतलब ऐसा नहीं कि वायदा हमने किया कि इतने तारीख को ख़त्म करेंगे फिर मान लीजिए 5 दिन आगे चला गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, डेट वाइज लिखा होगा कि इस डेट को ये होगा तो होगा ही, ठीक है, नहीं हो रहा होगा तो तुम्हारी तरफ से नहीं हो रहा, हमारी तरफ से तो हम तो एग्जैक्टली ऐसी साइकिल रन करेंगे। इसीलिए तो जब हमने लास्ट टाइम रन की थी तो इसलिए बच्चे, मतलब इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी कि 3-4 बच्चे थे लास्ट ईयर, उसमें से 2 बच्चे हमारे पास आ गए कैट्स में, सेम कैलिबर के बच्चे थे, 2 बच्चे नहीं आए, तो वो जो 2 बच्चे वो IT में बैठे हुए, ये जो 2 बच्चे नहीं आए, मतलब ऐसा नहीं करो हमारे यहाँ नहीं है इसलिए सेलेक्ट नहीं हुआ, मतलब थोड़ा बहुत हो सकता है उनके साथ कुछ भी चोट हो गई हो एक्चुअल एग्जामिनेशन में, या उन्होंने किसी कहीं पे उनका टाइम लीक हो गया हो, एडवांस में वो पंच ना दे पाए हों। अब ये जो 2 बच्चे हैं ये हमें 8-9 महीने, मतलब ये 2 पर्टिकुलर नहीं, ऐसे काफ़ी बच्चे हैं कि 8-9 महीने से बोल के कि कैट्स कब आएगा, कैट्स कब आएगा, तो वो इसीलिए क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने देखा है कि कितना फ़ायदा होता है, बच्चे का लेवल कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वी विल डू इट वर्सेस वी हैव ऑलरेडी डन। हाँ, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि जो अभी नन्हे मुन्ने इंस्टीट्यूट हैं, नए नए खुले हैं, वो बोलेंगे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मतलब नेताओं की तरह वो बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वर्सेस हमने ऐसा कर दिया है, मतलब हमने 1-2 साइकिल रन किया, वी हैव ऑलरेडी डन इट, तो हम तो उसी साइकिल को और बेटर रन करेंगे जो हमने पिछली बार रन किया था। डेफिनेटली लास्ट टाइम हमारे ऐसे 2 ट्रैक नहीं थे, इस बार हमने 2 ट्रैक किया है, क्योंकि उसकी लर्निंग थी कि और बच्चों को और ज़्यादा पर्सनलाइज इनपुट दिया जा सकता है कैटेगरी ऑफ बच्चों को, ठीक है। बी रेडी फॉर इंटेंस ग्रिलिंग, ये मैंने बोल दिया कि जो सॉफ्ट हार्टेड बच्चे हैं वो ना आए, मेहनत अच्छी खासी होगी, मतलब आप ये मानो कि 10 से 12 घंटे का कमिटमेंट तो हमें चाहिए डेली, उतनी मेहनत कर सकते हो तभी आओ, ठीक है। वी विल मतलब यू विल बी आउट इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, मतलब इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि ये कोई सैनिक कैंप तो है नहीं, यहाँ पे जो भी हम काम कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, और वी वांट कि हमारा जो कैट्स है वो जैसे अभी तक शाइन कर रहा है वो और ज़्यादा शाइन करे, कम शाइन ना करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा अपनी गलती कर रहा है, अपने हिसाब से सोच रहा है नहीं मेरे को तो सब आता है मैं तो ये करूँगा। जो हम बोल रहे हैं, जो हम आपको टास्क दे रहे हैं वो तो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद कुछ भी करो, ठीक है, ताकि हमारा रिजल्ट ख़राब ना हो, क्योंकि इस कोर्स को रन करने में फ्रेंकली मतलब यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि हम 0 पैसा नहीं कमा रहे, इसमें नेगेटिव बहुत जाएंगे हम, तो जब वी आर इन्वेस्टिंग आर टाइम मनी रिसोर्सेज तो वी वॉन्ट के 100% कमिटमेंट फ्रॉम योर साइड ऑल्सो, ताकि जिसे उन्हें इट टेक्स 2 टैंगो, हमने अपना पार्ट कर दिया, तुम अगर अपना पार्ट नहीं करो तो रिजल्ट नहीं आएगा, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी अपना पार्ट करो, उसी शिद्दत से उसी ईमानदारी से और मेहनत से करो, ठीक है। डू नॉट एक्सपेक्ट एनी मिरेकल, ये मैंने इसलिए बोला कि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो 98% पे हैं, उनका 10-20% कोर्स बचा हुआ है, तो आई विल से कि मत आओ भाई, तुम अपना कोर्स करो पहले, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप पहले मेंस अच्छा करो, मेंस में अच्छी रैंक लेके आओ, ताकि NIT में एक अच्छी ब्रांच में सीट आपकी फिक्स हो जाए, उसके बाद एडवांस में IIT में अच्छा करने की कोशिश करो, यहाँ पे ऐसे कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा, मतलब हमें चमत्कार करके रिजल्ट निकालना नहीं आता, हमें केवल मेहनत करवा के सिस्टमेटिक चीज़ों को फॉलो करके जो भी
कंपोनेंट होते हैं प्रिपरेशन के, प्रैक्टिस हो गया, टेस्टिंग हो गया, उन सबको ऑप्टिमाइज करके रैंक निकालना आता है, बाकी कोई चमत्कार नहीं होगा यहाँ पे। तो अगर कोई बच्चा यहाँ पे आके बोले कि यार यहाँ पे भी पढ़ के रैंक निकालनी पड़ेगी, तो वो तो हम घर पे ही कर लेते। तो उन बच्चों के लिए बोला हूँ, यहाँ पे ऐसा कोई चमत्कार नहीं होना, घर पे ही रैंक निकालो, ठीक है। मेंस टू एडवांस, हाँ, अब दोनों कैटेगरी के बच्चे आते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी रैंक 5,000 से 10,000 जाएगी, ठीक है। क्योंकि मेंस में क्या होता है कि जो डेप्थ है वो एक सर्टेन लेवल पे चेक होती है, ठीक है। तो इवन इफ अगर किसी बच्चे ने इतना मान लिया प्रिपेयर कर रखा है तो उस डेप्थ के ऊपर आ गया, तो वो यहाँ पे फोड़ सकता है कि उसने फिजिक्स में 80 मार्क्स आ गए, केमिस्ट्री में 80 मार्क्स आ गए। बट एडवांस अगर यहाँ से चालू हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि अगर उसके मेंस में 80 मार्क्स आ गए तो वो उसके एडवांस में भी 80 मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पे तो हमें इतनी डेप्थ चाहिए ही चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 5,000 4,000 रैंक से या 2,000 रैंक से भी नीचे स्लाइड होते हैं ज़बरदस्त। अब जब वो नीचे स्लाइड होते हैं, वहाँ जगह खाली होती है, तो नीचे के कुछ बच्चे जो मेंस में 10,000 रैंक लेके आ रहे हैं, 12,000 रैंक लेके आ रहे हैं, 18,000 रैंक लेके आ रहे हैं, वो जंप करके उसको फिल भी करते हैं, क्योंकि वो अपना पूरा 4 महीने ज़बरदस्त यूज़ करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये हमारे बैक ऑफ माइंड पे होना चाहिए, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट टू गिव इट ए ट्राई देन डू नॉट बॉदर योर सेल्फ। मतलब ये फिर मतलब शायद मैंने इस कोर्स के पॉजिटिव गिनाने से ज़्यादा नेगेटिव गिनाए हैं कि अगर कोई बच्चा ये करना चाहता है कि चलो चल के देखते हैं शायद कुछ फ़ायदा हो जाए, तो उसका मतलब क्या है कि उसको ये सिस्टम समझ में नहीं आया, तो फिर तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। मत अपने आप को बॉदर मत करो, वहीं घर से ही प्रिपरेशन करो या और किसी इंस्टीट्यूट में जहाँ पे भी हल्के फुल्के माहौल में जोक सुनाते हुए करते हैं प्रिपरेशन, वहाँ करो अगर तुम्हें मज़े ही लेने हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इफ़ यू आर नॉट एट ए सर्टेन लेवल देन यू विल वेस्ट योर टाइम एज वेल एज अदर्स। मतलब जो हमने 98 का क्राइटेरिया रखा है या 99.5 का रखा है, ये हमने सोच समझ के रखा है, मतलब ऐसे नहीं कि कोई रैंडमली डाल दिया है, उसी के हिसाब से हम चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे। DPP हो गया, टेस्ट हो गया, कि उस बच्चे का मैक्सिमम फ़ायदा हो, उसका कहीं टाइम ऐसे वेस्ट ना हो जो उसके लिए वैल्यू एडिशन ना लाए, ठीक है। तो अगर मान लिया कोई बच्चा मिसफिट है, ठीक है, आई कैन बिल्कुल मैं ये बात मान सकता हूँ कि कोई बंदा के साथ हो सकता है ट्रेजिडी हो गई, उसकी एक्सपेक्टेशन 99.8 लाने की हो गई और उसका 98.8 हो जाए, ऐसा होता है, मतलब बट दे आर एक्सेप्शनल केसेस, बहुत कम केसेस हैं ये, ठीक है। मेजॉरिटी तो जो आपकी तैयारी होगी वही परफॉर्मेंस पे कन्वर्ट होती है। तो इसलिए अगर मान लिया कोई बच्चा ज़बरदस्ती वहाँ आना चाहे, बैठना चाहे, तो देखो हम तो रोकेंगे नहीं, हमने तो ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रहा है कि मैं इसकी बात करूँ कोई ज़बरदस्ती 99.5 वाले ग्रुप में बैठना चाहे, बट उससे क्या होगा कि अगर मान लिया आपकी तैयारी उस लेवल के नहीं है तो फिर या तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, अगर शर्म के मारे आप चुप बैठे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, टाइम वेस्ट हो रहा है, उसकी बजाय यू कुड हैव वर्कड ऑन समथिंग विच वॉज यूजफुल फॉर यू। या फिर अगर आप वोकल हो तो आप बाकी दोनों को डिस्टर्ब करोगे, बाकी बच्चों को डिस्टर्ब करोगे, बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट करोगे। तो इसलिए हमने दो पार्ट में ब्रेक करने का मतलब ये है कि हमने अपना काम डबल बढ़ा लिया है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर 20th हो गया, क्लास 12 पीपल फ्रॉम जयपुर कैन ज्वाइन एनी। वैसे तो हमने जो कैट्स जे प्रो जो है वो दो साइकिल में इसलिए रन किया ताकि दूसरी साइकिल में 12th वाले बच्चे आ पाए, बट अगर कोई बच्चा जयपुर में है ऑलरेडी तो फिर वो फर्स्ट साइकिल में भी ऑफकोर्स आ सकता है, क्योंकि उसको ट्रैवल नहीं करना है, बीच बीच में इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 12th क्लास स्टूडेंट हु वॉन्ट्स टू ज्वाइन इन साइकिल 2 कैन रजिस्टर नाउ। मतलब कोई जो 12th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है उसका बोर्ड आ रहा है बट वो बोल रहा है कि मैं साइकिल 2 ज्वाइन करूंगा, और ऐसा ना हो कि सीट्स खत्म हो जाएं, तो वो अभी रजिस्टर कर सकते हैं, ये ठीक है, उसका वो चीज़ मान लिया जाएगा। नेक्स्ट इज जस्ट मिस दिस स्कॉलरशिप। हाँ, जैसे कोई बच्चा बोलेगा ना मेरा तो 0.001 कम रह गया, ठीक है, तो भैया ये तो हम तुम्हें टेस्ट दे रहे हैं कि जब JEE का रिजल्ट आएगा तब भी तुम्हारे साथ यही होगा कि मेरा एक रैंक रह गई, IIT छूट गया, IIT दिल्ली छूट गया, अब दूसरी IIT जाना पड़ रहा है। आप बोलोगे जस्ट मेरे से पहले वाले को इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गई, मेरे को नहीं मिली, तो ये उसी चीज़ की प्रैक्टिस है। और यहाँ पे तो जो IIT JEE रिजल्ट के बाद जो ऐसी चीज़ें होंगी कि एज पे छूट गया, उसका इफेक्ट तो तुम्हारी लाइफ के 30-40 साल पे आएगा, प्रोफेशनल कैरियर पे आएगा। ये तो एक छोटा सा क्या अमाउंट ही तो होगा ऊपर नीचे, अगर मान लिया किसी को 30,000 भी देना पड़ रहा है, वैसे तो सडन चेंज तो हो नहीं रहा फीस में, फिर भी 30,000 भी देना पड़ रहा है तो उसका तो क्या बोलते हैं कि 2 घंटे की सैलरी होगी अगर वो CS में, या मैकेनिकल में तो 2 दिन की सैलरी होगी। अब मैं मैकेनिकल वालों को ऐसे नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं खुद मैकेनिकल से पढ़ा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैकेनिकल वाले ही बड़ी बड़ी कंपनियाँ बना रखे हैं या फिर टीचिंग लाइन में मैकेनिकल वाले होते हैं, ये तो मैं ऐसे ही जोक कर रहा हूँ। तो ये तो पैसा तो कॉम्पनसेट हो जाएगा आराम से, बट जो आपका ट्रैक चेंज होगा, जो आपका ब्रांच चेंज होगा, ये ठीक है, वो
बहुत इम्पॉसिबल सा है रीडू करना उसको, ये ठीक है। कुछ बच्चे कर लेते हैं ऑफकोर्स, एक्सेप्शनल केसेस कर लेते हैं, बट अदरवाइज जो भी आपकी ब्रांच है वही आपका प्रोफेशनल करियर सेट हो जाता है। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि अगली जो 4 महीना वो कितना इम्पॉर्टेंट है, वो कितना इफेक्ट डालेगा हमारी प्रोफेशनल लाइफ पे। नेक्स्ट इज साउथ इंडियन फूड जो है, जो बच्चे हमारे यहाँ पे लॉजिंग फूडिंग जहाँ हम प्रोवाइड करेंगे, देखो साउथ इंडियन फूड हम कभी कभी डेफिनेटली कभी कभी मतलब वीक में 2-4 दिन 5-6 दिन हो सकता है कि हम कोशिश कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट गिव यू द गारंटी, ठीक है। बाकी अगर आप रेस्टोरेंट का कॉन्टीन्यूसली साउथ इंडियन फूड खाना चाहें तो रेस्टोरेंट अवेलेबल है। ये मैं इसलिए बोला क्योंकि साउथ से लास्ट ईयर भी बच्चे आए थे, उसमें से मैक्सिमम बच्चों ने कोप अप कर लिया, बट 1-2 बच्चों को दिक्कत हुई, तो इसलिए मैं पहले से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि रेस्टोरेंट का क्योंकि लगातार 4 महीने खाना शायद पॉसिबल नहीं होगा, भले ही आप मतलब डोसा वगैरह 4 महीने खाना शायद यहाँ के रेस्टोरेंट का पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे शायद जयपुर का जो डोसा होता है वो साउथ इंडियन डोसा जो ऑथेंटिक होता है वो वैसा तो नहीं होता होगा, आई एम श्योर शॉट, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो ये सब चीज़ें यार सोच के आए, मतलब ऐसा ना हो कि फालतू आपके आने जाने में और इनमें 2-4 दिन वेस्ट हो जाएँ। तो इफ़ आर कम्फर्टेबल विद देन ओनली, जयपुर में टेम्परेचर जो है अभी तो खैर गर्मी वाला टाइम है तो थोड़ा सा जिसे बोलते हैं कि गर्म साइड में रहेगा, मतलब मई के आते आते तो इट विल डेफिनेटली रीच 40+, कभी कभी 48 भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जो पहाड़ की तरफ से आ रहे हैं, जो देहरादून की तरफ से आ रहे हैं, उन्होंने इतनी गर्मी तो हमने आज तक नहीं देखी, इसलिए मैंने क्लैरिफाई कर दिया। जो भी बच्चा इसमें लेगा वो ऑफकोर्स जो हमारा सेलिब्रेशन प्रोग्राम होता है लास्ट में जय घोष, उसका ऑफकोर्स पार्ट बनने के लिए एलिजिबल होगा, मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बन गया, वो तो रैंक के हिसाब से हम बुलाते हैं बच्चों को। तो जो जयपुर में हमारा आइकॉनिक जो सेलिब्रेशन है जय घोष, उसके लिए अवेलेबल होगा। 25वां पॉइंट होगा हम होंगे कामयाब, ये तो 24 पॉइंट अच्छे ही लग रहे थे, ये तो मैंने ऐसे ही बढ़ा दिया 25 पूरा करने के लिए। तो हम होंगे कामयाब डेफिनेटली, चाहे आप यहाँ पे पढ़ो या कहीं और पे भी पढ़ो, गिव योर 100%, यू विल डेफिनेटली बी कामयाब। तो ठीक है, स्टे पॉजिटिव, ऑल द वेरी बेस्ट, और अगर आपके पास कोई भी सजेशन है, कोई भी ऑब्जर्वेशन है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, वी ट्राई टू एकोमोडेट इट अगर पॉसिबल होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है क्या कि जो फैकल्टी टीम है वो टीम कॉम्पिटिशन होगा, मतलब ऑफकोर्स मैं, ABJ सर, NS सर और ALK सर तो पढ़ाएंगे, और कॉम्पिटिशन टीम के जो टीचर्स हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे। तो ये मैं बोलना भूल गया था वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट वंस अगेन।